आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। खबर है कर्नाटक से, जहां पर राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। कब कौन सी सरकार गिर जाए पता नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया था जब BJP सरकार बनाने की कितनी उतावली थी और कितनी जल्दबाजी करके उन्होंने येदियुरप्पा को CM पद की शपथ भी दिला दी थी, और ना चाहते हुए भी CM का पद येदियुरप्पा को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस और JDS ने सरकार बनाई, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस और JDS की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, खतरे के जो बादल हैं वो आ रहे हैं और अब सरकार गिर सकती है। बीते दिन ये अफवाह खूब जोरों शोरों पर चली, खूब राजनीति में इसकी चर्चा हुई, लेकिन जिससे कांग्रेस और JDS में खूब दरार पैदा हुई। BJP का कहना है कि कांग्रेस और JDS ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, इनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आनाकानी चल रही है, क्योंकि विधायक मंत्री पद ना मिलने से नाराज हैं और वो कभी भी बगावत कर सकते हैं। इसका जवाब आज दिया कर्नाटक में DK शिव कुमार ने, जिससे BJP हैरान रह गई। और वो जवाब क्या था, मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ खबर की ओर, जिसमें आप देखेंगे कि वो जवाब क्या है जिससे BJP के हाथों फिर निराशा लगी है। देख सकते हैं, येदियुरप्पा का दावा झूठा, कांग्रेस के सभी MLA हैं साथ, DK शिव कुमार ने बयान दिया है। DK शिव कुमार ये वही नेता हैं जो कर्नाटक में चाणक्य साबित हुए हैं, जिन्होंने कर्नाटक में किस तरह से नेताओं को कहाँ रखा जाए, कहाँ नहीं रखा जाए, कैसे नेताओं से BJP को बचाया जाए या कैसे अपने नेताओं को BJP से बचाया जाए, सारी बातें सब मैनेज करा। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर खबर है क्या। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन कर मिली जुली सरकार बनाने और मंत्री पद का बंटवारा होने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुमार स्वामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने से कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाराज होने की खबर पार्टी के वरिष्ठ नेता DK शिव कुमार ने कहा। कुछ नेता इससे नाराज थे, लेकिन इसे अब दूर कर लिया गया है। मैं खुद इन विधायकों से संपर्क में हूं। BJP नेता BS येदियुरप्पा, जिनका पूरा नाम है भूका ना केरे सिंधलिगप्पा येदियुरप्पा, जो कि CM पद के उम्मीदवार थे, येदियुरप्पा के इस दावे पर कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर JDS के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं और वो BJP में शामिल होना चाहते हैं, इस पर DK शिव कुमार ने कहा, येदियुरप्पा को हार स्वीकार करना पड़ा है, कर्नाटक के लोगों ने उन्हें चुनाव में अपना समर्थन नहीं दिया। इस बीच कांग्रेस के असंतुष्ट बताए जा रहे नेता MB पाटिल ने कुमार स्वामी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उनकी मांग को लेकर आ रही खबरों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में अपने विचार राहुल गांधी को बता दिए हैं और उन्होंने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, और उसके बाद MB पाटिल कर्नाटक कांग्रेस में सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं, जिनकी खबर आ रही थी कि वो मंत्री पद चाहते हैं और अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहना है DK शिव कुमार का। ऐसी खबरें आई थी कि कुमार स्वामी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से वो नाराज थे। सिद्धरमैया सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे MB पाटिल की नज़र उप मुख्यमंत्री पद पर थी। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर उन्होंने पार्टी के अंदर बगावत का बिगुल बजा दिया था, लेकिन DK शिव कुमार के अनुसार अब पार्टी में बिल्कुल सही है, कुछ ऐसा नहीं है, कांग्रेस JDS की सरकार बनी रहेगी। जो इस पर अटकलें लगा रही थी BJP सरकार या येदियुरप्पा, जो इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस JDS सरकार गिर जाएगी और फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो एक बार फिर उनके हाथ निराधार है, उनके हाथ खाली हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, बल्कि कांग्रेस JDS में सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दौरान जब राजनीति अपनी चरम सीमा पर थी, कर्नाटक में राजनीति चल रही थी, तो उस दौरान कैसे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री हों, राहुल गांधी हों, अमित शाह हों, कैसे एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे और क्या क्या जनता से वादे कर रहे थे, देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट में। मंच पर विराजमान इस चुनाव में कर्नाटक की जनता की आशा आकांक्षा बने हुए हमारे भावी मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, मंच पर विराजमान सभी महत्व के नेतागण, मंच पर विराजमान सांसदगण, मंच पर विराजमान इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के
सभी उम्मीदवार बंधुगण, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी जो 20 राज्यों में सरकार बना चुकी है, इसके यश का अगर किसी को अधिकार है तो मेरे बूथ के अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष को है और किसी को नहीं। ऐसे ऐसे प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी अस्तित्व नहीं था, त्रिपुरा जहां 1.2% वोट मिला था, 1.2% वोट, जीरो सीट, इसके बाद में मणिपुर 3.2% वोट, जीरो सीट, आसाम 4 सीट, ये तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बूथ की रचना होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों राज्यों में हमें किसी नेता की घोषणा नहीं की थी किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कौन चुनाव लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के मेरे बूथ और शक्ति केंद्र अध्यक्ष का हौसला चुनाव जीता कर लाया है। और मित्रों, ये विजय रथ जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकला है, आज कल्पना करिए पार्टी कहां पहुंची, 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है, इसका हम सबको गौरव। एक जमाने में श्रीमान राजीव गांधी ने तंज कसा था, हमारे 2 सदस्य थे, उन्होंने टॉन्ट लगाया पार्लियामेंट में के भाजपा वाले मानते हैं हम 2 हमारे 2, मगर 2 बाहर रह गए, 2 यहां आए हैं। अटल जी अडवाणी जी भी स्वयं चुनाव हार गए थे। वो पार्टी आज संसद के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ 330 सांसदों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बैठी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, किसानों से कहते हैं, मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने उनसे ये बात कही कि आप किसानों का कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, मगर अगर आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हो तो फिर आप मुझे समझाओ कि हर साल आप लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10-15 उद्योगपतियों का क्यों मांगते हो। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों का माफ किया, उसको ये लोग एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा उद्योगपति चोरी करता है उसको कहते हैं डिफॉल्टर, जब किसान कर्जा नहीं भर पाता है तो उसको कहते हैं कुछ चोर। ये फर्क क्यों है, ये हमारी लड़ाई है। और हमने कर्नाटका में आपके लिए, जनता के लिए बहुत काम किया है। सिद्धरमैया जी को मैं जानता हूं, बातचीत होती रहती है मेरी। ये सबसे पहले कर्नाटक की गरीब जनता का सोचते हैं, चाहे वो किसान का कर्जा माफ हो। कर्नाटक की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया, चाहे वो इंदिरा कैंटीन हो, 7 किलो चावल हो, मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देने का प्रोग्राम हो, जो भी हम करते हैं हम कमजोर लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। मोदी जी यहां आते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब नीरव मोदी, जिसको नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहले नाम से जानते हैं, जब वो 30,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाता है, तब नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते, अपने स्टेट से खड़े होते हैं। एक तरफ येदियुरप्पा जी खड़े हैं जो जेल में समय काट के आए हैं, दूसरे तरफ 4 मंत्री जो जेल में जाके आए हैं, और मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी टिकट के मामले 8 लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, भ्रष्ट लोगों को। तो
तो देखा आपने कि किस तरह से नेताओं ने एक दूसरे पर बयानबाजी करने में, एक दूसरे पर हमला करने में कोई मौका नहीं छोड़ा था। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, वो जबरदस्त एक नायक तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। और अब देखने वाली बात ये कि आखिर जब कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना ली है तो अब कितने दिन और चलेगी, क्या इस पर बीजेपी कोई रोक टोक लगाएगी या फिर कांग्रेस और जेडीएस, जो कि डीके शिवकुमार का बयान है कि सब कुछ सही है और ऐसा कुछ द्वेष नहीं है, कोई भी नेता वहां से बगावत नहीं कर रहा है, किसी भी नेता के बगावती सुर पैदा नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस जेडीएस में सब कुछ ठीक है और सरकार बढ़िया चलेगी, लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। और अब बात ये कि आखिर अब आने वाले समय में कांग्रेस और जेडीएस मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से होता है, क्योंकि आपको बता दें अभी मंत्रियों ने जगह नहीं लिया और अब पता चलेगा कि आखिर किसको क्या मंत्री पद दिया गया है, विभागों का बंटवारा कैसे होगा और सरकार क्या क्या काम करती है। वो सरकार के सामने वो तमाम वादे भी हैं जो जेडीएस और कांग्रेस ने किए हैं, उन पर सबसे बड़ा सवाल कि कर्नाटक में सरकार जो बनी है वो जनता से किए हुए वादों को कैसे और कब पूरा करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।